मोदी सरकार देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरा मामला ग्वालियर जिले के पिछोर नगर पालिका परिषद का है, नगर परिषद का ही पूरा मामला है। यहाँ का 3 नंबर वार्ड ऐसा भी है जहाँ ना तो साफ सफाई होती है और ना ही कचरा गाड़ी आती है। नतीजा वार्ड में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। बावजूद इसके नगर परिषद के अधिकारियों ने साठगांठ कर स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए पिछोर नगर परिषद को ODF प्लस घोषित कर दिया, जबकि वार्ड 3 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रहवासियों का आरोप है कि वार्ड में सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, उनको खुद ही कचरा फेंकना पड़ता है। रोटी खाना भी नहीं खा पाते, यहाँ बहुत बदबू आती है। हमें यहाँ अपने नगर पालिका वाले लोग हमारे पास में ये फेंक जाते गंदगी, हम खाना भी नहीं खा पाते, बहुत ज्यादा परेशान है। सफाई कर्मी आते हैं झाड़ू वाड़ू? कोई नहीं आते। और कचरा गाड़ी नहीं आती है, वो नीचे से कड़े आती है। कचरा नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। फिर क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, हम फेंकते हैं, हमारी माँ फेंकती हैं, बहनें फेंकती हैं, और क्या करते हैं। क्या है, नगर पालिका वाले अपने शिकायत भी की, बोली भी, तो उनको मनमानी कर रहे, सफाई वगैरह हो नहीं रही, ताकत है गंदगी भरी है, मई ताकत है, गाड़ी नहीं जा रही, ना सफाई हो रही। आप मौके पर जांच करें आप। तो इस संबंध में कल मैं मौके पे जाकर के जो है निरीक्षण करूंगा, और निरीक्षण करने के बाद यदि मुझे गंदगी मिलती है तो संबंधित नगर पालिका के कर्मचारी और CMO को मैं नोटिस जारी करूंगा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को भी लिखूंगा। और ये आप बता रहे हैं कि ODF कर दिया गया है, तो ये किस, ये वो इतनी गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, तो ODF कैसे कर दिया गया है, नोटिस जारी।